नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास में। हमने पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी ली थी पिछले वीडियो में, तो उसमें एक प्रश्न आया था तक्षशिला से संबंधित कि तक्षशिला को किसने जलाया, क्या हुआ। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि नालंदा को जलाया था बख्तियार खिलजी ने, उसी बख्तियार खिलजी ने जलाया था तक्षशिला को। उसने तक्षशिला को एक हिंदू मंदिर समझ करके इसे जलाकर नष्ट कर गया था। तो उसके ऊपर तो आप ज्यादा आपत्तिजनक सोच रखे नहीं। अब आगे हम शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ था बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल रहा है 298 ईसा पूर्व से, और इसने शासन किया है 273 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार के बारे में हम जानकारी लें तो जितने भी यूनानी साहित्य हुए हैं, इन यूनानी साहित्यों में इस व्यक्ति के लिए एक शब्द काम में लिया गया है। शब्द काम में आया है अमित्र कैट्स या अमित्र चैट्स। इसका अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला। ठीक है, इसे शत्रु का नाश करने वाला कहा गया है। जैन ग्रंथों में इस व्यक्ति के लिए नाम लिखा गया है सिंहसेन। तो वायु पुराण में इसी व्यक्ति को कहा गया है मद्रसार। ठीक है, अनेक ग्रंथों से अलग अलग जगह से ये नाम प्राप्त हुए हैं। यूनानी साहित्य में अमित्र कैट्स, अमित्र चेट्स, जिसका अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला। जैन ग्रंथों में सिंहसेन, वायु पुराण में मद्रसार कहा गया है। बिंदुसार अपने पिता चंद्रगुप्त की तरह एक प्रभावशाली शासक था। जिस प्रकार से चंद्रगुप्त ने एक प्रभावशाली शासन किया था, उसी प्रकार से बिंदुसार ने शासन चलाया था। अब बात यहां पर जो आती है वो ध्यान से सुनना कि इसे इन नामों से क्यों पुकारा गया, क्यों इसे शत्रु का नाश करने वाला कहा गया। तो सबसे मेन मुद्दे की बात करूंगा मैं बिंदुसार के नाम की। बिंदुसार के नाम की बात को ध्यान से सुनना। हम यहां देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य का उदय करवाने वाला व्यक्ति था चाणक्य, जो कि उसका गुरु, उसका प्रधानमंत्री था। चाणक्य ने जो एक सपना लिया था, उस सपने को पूरा कर दिया था चंद्रगुप्त ने। परंतु बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। चाणक्य की चिंताएं अभी भी खत्म नहीं हुई थी। चाणक्य की अब चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि चाणक्य ने जो एक अखंड भारत का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में, वो अखंड भारत ही अब चाणक्य के लिए चिंता का विषय ये बन गया था कि क्या चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी इस साम्राज्य को संभाल पाएंगे या नहीं। इसीलिए यहां पर उल्लेख ये मिलता है कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तो था, परंतु वो एक ऐसा पुत्र था कि वह पुत्र एक उत्तराधिकारी के रूप में, जो उत्तराधिकारी चाणक्य चाहता था वैसा ही उत्तराधिकारी पैदा हुआ था चंद्रगुप्त के यहां। बिंदुसार की मां का नाम था दुर्धरा। यह धनानंद की लड़की थी। उल्लेख मिलता है कि जिस दिन बिंदुसार दुर्धरा के गर्भ में आया था, उसी दिन से चाणक्य ने दुर्धरा को धीमा जहर देना प्रारंभ कर दिया था। इतना कि इससे इसके कोई नकारात्मक असर भी ना हो और वह जहर इसके गर्भ में बल रहे बच्चे के पोषण के रूप में चला जाए। जिस दिन बिंदुसार पैदा हुआ था, इसके शरीर के ऊपर जहर के काले काले बिंदु ही बिंदु बने हुए थे। इसी कारण इसका नाम बिंदुसार रखा गया था। बिंदुसार के एक प्रभावशाली शासन के बारे में उल्लेख मिलता है। बिंदुसार के शासक बनते उल्लेख मिलता है कि सीरिया का शासक था इस समय, जिसका नाम था एंटियोकस प्रथम। सीरिया के साथ इनकी पहले भी संधि हो चुकी है, मैत्री संधि, मैंने बताया था चंद्रगुप्त के समय में। एंटियोकस प्रथम सीरिया का शासक था। एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के साथ मैत्री संधि का प्रस्ताव रखा था, और बिंदुसार ने मैत्री संधि के प्रस्ताव में मांग की थी तीन चीजों की, कि मैं मित्रता तो स्वीकार करूंगा, परंतु मित्रता के रूप में उपहार स्वरूप मुझे तीन चीजें देनी पड़ेगी। तीन चीजें क्या क्या मांगी थी? पहली चीज इसने मांगी थी विदेशी शराब, फिर इसके पश्चात सूखी अंजीर। सीरिया की जो अंजीर है वह बहुत प्रसिद्ध है। अंजीर एक ड्राई फ्रूट होता है काजू बादाम की तरह, सूखी अंजीर। और तीसरा एक यूनानी दार्शनिक, सीरिया यूनान का पार्ट था, यूनान का दर्शन शास्त्र हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। यूनान का दर्शन साहित्य
उत्तम साहित्यों की क्वालिटी में आता है। तो इसने कहा था कि मुझे एक दार्शनिक भी दो जो मेरे दरबार में विद्वान के रूप में विराजे। अब इधर ध्यान देना, ये तीनों चीजें इसने मांगी थी उपहार के रूप में, और उपहार में मिली हुई किसी भी चीज पर पूर्ण अधिकार होता है, जिसको मिल जाता है वह उपहार उसका। शराब, अंजीर और दार्शनिक, दार्शनिक के रूप में आता है पुरुष, और अगर पुरुष उपहार में आ जाए तो वह पुरुष पुरुष नहीं कहलाता है, फिर वह पुरुष कहलाता है गुलाम या दास। जबकि यूनान के कानून में दास प्रथा पर प्रतिबंध था। तो यहां पर उल्लेख मिलता है कि एंटियोकस ने सिर्फ विदेशी शराब और सूखे अंजीर भिजवाई थी, दार्शनिक के लिए इसने क्षमा मांग ली थी। इसके पश्चात उल्लेख मिलता है कि एंटियोकस ने अपना एक राजदूत भी भेजा था बिंदुसार के दरबार में, जिसका नाम था डायमेकिस। बिंदुसार से ही मिस्र के शासक ने भी मैत्री संधि स्वीकार की थी। इस समय मिस्र का जो शासक था उसका नाम था टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय। टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने बिंदुसार के साथ मैत्री संधि करते हुए एक अपना राजदूत भेजा था जिसका नाम था डायनोसिस। ठीक है, यहां पर ये दो राजदूत है, लगभग मिलते जुलते नाम है। डायमेकिस सीरिया से था और डायनोसिस मिस्र से आया था। फिर आगे उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त के पश्चात बिंदुसार जब शासक बनता है तो बिंदुसार के बारे में उल्लेख ये मिलता है कि बिंदुसार का भी प्रारंभिक समय में प्रधानमंत्री रहा था चाणक्य। ठीक है, चाणक्य के संन्यास लेने के पश्चात उसका प्रधानमंत्री बना था राधा गुप्त। इसके अलावा उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार के दरबार में 500 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद थी, और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था जिसका नाम था खल्लाटक। ठीक है, यहां पर उल्लेख मिलता है। फिर उसके पश्चात आगे उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार का संपूर्ण शासनकाल शांतिपूर्वक व्यतीत होता है। इसके जीवन में अंतिम समयों में विद्रोह प्रारंभ हुआ था तक्षशिला में। तक्षशिला जो इनका प्रांत था, तक्षशिला में जब विद्रोह प्रारंभ होता है तो अपने पुत्र अशोक को इसने नियुक्त किया था तक्षशिला का गवर्नर। तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त करता है और वहां के विद्रोह के दमन की जिम्मेदारी देता है। अशोक तक्षशिला के विद्रोह का दमन करने में सफल रहता है, तब अशोक का यहां से कर दिया जाता है ट्रांसफर, और अशोक को बना दिया गया था अवंती का गवर्नर, जिसे आजकल कहा जाता है उज्जैन। फिर उसके पश्चात उल्लेख मिलता है कि जैसे ही अशोक यहां से जाता है दोबारा तक्षशिला में विद्रोह प्रारंभ होता है, और बिंदुसार अपने सबसे बड़े बेटे सुसीम या सुमन उसको तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त करता है। सुसीम इस विद्रोह का दमन करने में असफल रहता है, और इसी समय मृत्यु हो गई थी बिंदुसार की 273 ईसा पूर्व। यहां पर अशोक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि अशोक शासक बनने से पहले कहां का गवर्नर था, तो उत्तर लगभग अवंती या उज्जैन ही मिलता है, परंतु अगर तक्षशिला भी ऑप्शन में हो तो यह भी सही होता है। पहली बार अशोक गवर्नर बना था तक्षशिला का, और उसके पश्चात तक्षशिला से इसे स्थानांतरित करके गवर्नर नियुक्त किया गया था अवंती का। प्रश्न को ध्यान में रखना, यह पूछ रहा है कि राज्याभिषेक से जस्ट पूर्व की बात कर रहा है तो होता है अवंती, और अशोक का पहली बार गवर्नर बनना पूछ रहा है तो उत्तर होता है तक्षशिला। दोनों जगह का ही गवर्नर नियुक्त हुआ था अशोक। फिर बार आती है इस पूरे मौर्य साम्राज्य में, देखे तो एक चेहरा बार बार घूम रहा है, और वह चेहरा है चाणक्य। चाणक्य ने इस मौर्य साम्राज्य की जिम्मेदारियों को समझते हुए इनके आगे के जीवन में साथ देने के लिए एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र में एक लेख लिखा हुआ है चाणक्य के द्वारा कि एक पुरुष कितनी भी स्त्रियों से विवाह कर सकता है, स्त्रियां सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए होती है। ये बात पता नहीं चंद्रगुप्त ने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, परंतु बिंदुसार जब अर्थशास्त्र को पढ़ता है और इस बात पर पहुंचता है, तो पढ़ते बिंदुसार ने इस बात को पढ़ते कहा था कि गुरुजी बात आ गई समझ में। बिंदुसार जैन ग्रंथों से उल्लेख मिलता है कि इसके 101 से लेकर 103 तक पुत्र थे। सामान्य इतिहासकारों का मत है कि बिंदुसार के पुत्रों की संख्या थी 100। राजतंत्र में उल्लेख यह मिलता है
कि जो राजा का उत्तराधिकारी होता था सब कुछ उसी का हुआ करता था। पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी जगह गद्दी पर बैठने वाला ही संपूर्ण साम्राज्य का मालिक होता था। शेष भाइयों को कुछ दे या ना दे वो उसकी इच्छा हुआ करती थी। यहां बिंदुसार के पुत्र थे 100। तो यहां पर उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसके 100 पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चलता है और यह संघर्ष चला था 4 वर्ष तक। और 4 वर्ष पश्चात उसका सबसे योग्य बेटा अशोक बनता है शासक। अब हम आगे देखेंगे अशोक के बारे में। अशोक 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। अभी अभी मैंने बात की है कि बिंदुसार का बेटा था अशोक, जो अवंती में गवर्नर नियुक्त हुआ था तक्षशिला के बाद में। बिंदुसार की मृत्यु हुई थी 273 ईसा पूर्व और बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में संघर्ष होता है उत्तराधिकार के लिए। इस संघर्ष में उल्लेख मिलता है कि अशोक 4 वर्ष तक अपने 99 भाइयों से लड़ाई लड़ता है और 99 भाइयों की हत्या करते हुए 4 वर्ष पश्चात अशोक बनता है शासक। 269 ईसा पूर्व अशोक का हुआ था राज्याभिषेक। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में होता है अगले मौर्य उत्तराधिकारी के रूप में। आगे यहां पर उल्लेख मिलता है कि अशोक को जब हम इतिहास में पढ़ते हैं तो अशोक को इतिहास में पढ़ा जाता है एक महान सम्राट के रूप में। अशोक का नाम बोलने से पहले ही यह शब्द अपने आप उत्पन्न होता है, महान सम्राट अशोक। 99 भाइयों की हत्या करने वाला अशोक महान कैसे हुआ? तो उल्लेख मिलता है कि अशोक दुनिया का एकमात्र शासक था जिसने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान और उनके लोक कल्याण के लिए कार्य किया था। अपनी प्रजा के उत्थान और कल्याण हेतु उसके द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों के कारण यह व्यक्ति इतिहास में महान सम्राट के रूप में गिना जाता है। क्या हुआ अशोक के साथ, किस प्रकार शासन रहा, कौन कौन से इसने महान कार्य किए? उल्लेख मिलता है कि अशोक के अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व आक्रमण किया था कलिंग पर। कलिंग कलिंग दक्षिणी उड़ीसा का भाग है, ठीक है, समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र है। यहां पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण में उल्लेख मिलता है कि अशोक भयंकर नरसंहार करवाता है। यहां पर लाखों लोगों का कत्ल करवाया था अशोक ने। कई युद्ध में घायल हुए लोगों को बंदी बना लिया था। उल्लेख मिलता है यहां पर कलिंग युद्ध का उल्लेख सबसे ज्यादा जिस स्थान से प्राप्त हुआ है वह है हाथी गुंफा अभिलेख, यहीं पर लगा हुआ है। हाथी गुंफा अभिलेख से उल्लेख प्राप्त होता है कि अशोक कलिंग विजय के पश्चात नगर भ्रमण पर चलता है और इस नगर भ्रमण के दौरान अशोक जहां भी पैर रखता है उसका पैर किसी ना किसी लाश के ऊपर ही रखा जा रहा था। चारों तरफ वो युद्ध बंदी जो घायल हो चुके थे उनकी चीख पुकार मची हुई थी और इस चीख पुकार के कारण अशोक यहां पर व्यथित हो जाता है। उसे अपने आप से कुंठा होती है और कलिंग छोड़कर अशोक आ जाता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पहुंचने के पश्चात भी अशोक के दिमाग में वही चीख पुकार गूंज रही है, उसकी आंखों के सामने वही भीषण नरसंहार का दृश्य घूम रहा है। और यहां पर उल्लेख मिलता है कि इस नरसंहार के पश्चात अशोक को होती है आत्मय गलानी। अब यहां पर बात करें अशोक ने कलिंग पर क्यों आक्रमण किया, क्या कारण था? इस हाथी गुफा में उल्लेख मिलता है अस्थि गुफा अभिलेख में कि इस समय कलिंग का राजा था नंदराज, उस पर आक्रमण किया था। तो यहां से एक कारण स्पष्ट होता है कि मौर्यों की शुरुआत हुई थी धनानंद का वध करते हुए और यहां के राजा का नाम है नंदराज।
इधर धनानंद में भी नंद, तो हो सकता है ये नंदराज नंद वंश का ही कोई एक अंतिम स्वतंत्र बचा हुआ शासक हो और उससे बदला लेने के लिए यह आक्रमण किया हो। जबकि चाणक्य ने लिखा है इसी कलिंग युद्ध के बारे में, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि कलिंग जो है एक जंगली क्षेत्र है और कलिंग के इस जंगलों में जो हाथी मिलते हैं वो पूरे एशिया में प्रसिद्ध थे। तो अशोक ने इन कलिंग के हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया है। जबकि इतिहासकार प्लिनी का मत है कि कलिंग जो था समुद्र तटवर्ती स्थान था और समुद्री सीमाओं पर अधिकार करने के लिए अशोक ने आक्रमण किया था कलिंग पर। अब यहां पर मेन बात आ रही है अशोक की आत्मग्लानि की, कि अशोक ने कहीं भी आक्रमण किया होगा, क्यों भी किया होगा। अशोक पहुंच जाता है इस आक्रमण के बाद में पाटलिपुत्र और अब भी व्यथित है और इसके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि मैंने मेरे अपने निजी कारणों से कलिंग पर आक्रमण किया था, उस कलिंग की निर्दोष जनता का क्या दोष था। और आज इसके दिमाग में एक ही आदमी की बातें गूंज रही है, वो आदमी है मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस अशोक के समकालिक बौद्ध धर्म का महान विद्वान, यह अशोक के दरबार में विराजता था और अशोक को रोजाना बौद्ध धर्म सत्य असत्य हिंसा अहिंसा पाप पुण्य के बारे में समझाया करता था। ये बातें अशोक के कहीं भी घुस नहीं रही थी दिमाग में। और आज यह कलिंग का नरसंहार देखने पर यह व्यक्ति व्यथित होता है और आज इसे मोगलीपुत्र तिस की बातें समझ में आती है और यह परिणामों को लेकर व्यथित होता है। उल्लेख मिलता है कि अशोक कलिंग युद्ध के पश्चात हिंसा का मार्ग त्यागते हुए पूर्ण रूप से अहिंसा का मार्ग स्वीकार करता है। बोध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। अशोक अहिंसा का मार्ग और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है कलिंग युद्ध के पश्चात। अहिंसा के मार्ग को स्वीकार करने वाला इतिहास का पहला शासक था अशोक, एक पहला राजा हुआ है जिसने राजनीति में अहिंसा का प्रयोग प्रारंभ किया था। कुछ बौद्ध ग्रंथ है जिनका नाम है दीपवंश और महावंश। इस दीपवंश और महावंश में लिखा हुआ है कि अशोक तो कलिंग युद्ध से पहले ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये निग्रोध जो था यह अशोक के बड़े भाई सुसीम का लड़का था, इससे ली थी। तो हो सकता है निग्रोध से भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली होगी, परंतु उसका इसने पालन पोषण मतलब उसे पथ पर चला नहीं होगा। और यहां कलिंग युद्ध के पश्चात इस प्रकार से इसका परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से अशोक अहिंसा का मार्ग स्वीकार कर लेता है और राजनीति में अहिंसा को लागू करता है, पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है। इसके पश्चात अशोक से बात आती है कि अशोक का धम, यहां से बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि अशोक का धम क्या है, तो इसके बारे में सुनना। मैंने कहा है अभी अभी कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, पूर्ण रूप से अहिंसा के मार्ग पर चलने लगता है। अशोक अब रात दिन सिर्फ धर्म कर्म की बातें करता है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करता है। उल्लेख मिलता है एक दिन अशोक एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसका नाम था राहुलोवाद सुत, बौद्ध ग्रंथ है। इसमें लिखा हुआ था कि आपने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, आप बौद्ध धर्म के नियमों पर कायदों पर कानूनों पर चल रहे हो, फिर भी आप एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो और वो भूल की वजह से भी आपको पाप लग रहा है। आप खुद अपनी जगह सही हो फिर भी आपको पाप लग सकता है, वो कौन सा तरीका बताया गया है राहुलोवाद सूत्र में। राहुलोवाद सूत्र में लिखा गया है कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है और उसको आप देख के अनदेखा कर रहे हो तो उसने कार्य किया है, आपने देखा है, उसके कार्य करने का पाप का श्रेय उस पाप के भागीदार आप भी हो, क्योंकि आपने एक बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के नाते उसे टोका तक नहीं। जबकि बौद्ध धर्म का काम ही यही है कि पाप से दूर रहो और दूर रखो। इस बात को पढ़कर अशोक के टेंशन होता है सबसे बड़ा, क्यों?
क्या टेंशन होता है, क्योंकि अशोक था एक सम्राट और उसके सामने थी असंख्य जनता। अशोक को एक बात दिमाग में आती है कि मेरे पास तो विद्वान थे, मुझे पढ़ला लिखना भी आता है, इन सब चीजों से मैंने बौद्ध धर्म को जाना, सत्य असत्य हिंसा अहिंसा पाप पुण्य को समझा, ये जो मेरी निर्दोष जनता है जो जाने अनजाने में कितने पाप करती है, इन पापों का भागीदार कौन होगा? मैं तो देख ही रहा हूं, मुझे तो पता है भाई यहां पर ये काम है गलत चल रहा है, परंतु मैं देख रहा हूं उनको टोक नहीं रहा हूं। इसलिए अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने बीड़ा उठाया था कि मैं तो सुधरा हूं, मेरी प्रजा को भी सुधारूंगा। वो घोषणा ही अशोक का धम्म कहलाती है। प्रश्न होता है अशोक का धम्म क्या है, तो उत्तर होना चाहिए अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जो घोषणाएं की थी, जो कार्य किए थे, वही उसका धम्म है। अगला प्रश्न आता है अशोक के धम्म की व्याख्या कहां से ली गई, तो अशोक के धम्म की व्याख्या ली गई है बोध ग्रंथ राहुलोवाद सूत्र से। ठीक है, फिर उसके पश्चात आगे देखना। अब अशोक को पता तो था कि जब तक मैं बौद्ध धर्म की जानकारी लोगों के पास में नहीं पहुंचाऊंगा तब तक लोग सुधरेंगे नहीं, और अशोक चाहता है बौद्ध धर्म का प्रचार ताकि इसकी जनता का नैतिक उत्थान हो। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु जिन जिन चीजों का सहारा लिया उनमें नाम आता है शिलालेख, स्तंभ लेख। ठीक है, फिर इसके अलावा आता है अशोक ने स्वयं भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपने परिवार जनों तक का भी प्रयोग किया था। तो इसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे अशोक के शिलालेख। अशोक के जो शिलालेख है, अशोक के शिलालेखों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक श्रेणी आती है इसकी चतुर्दश श्रेणी और दूसरी श्रेणी आती है लघु शिलालेख। अशोक के जो चतुर्दश शिलालेख है, इन चतुर्दश शिलालेखों के में आप ध्यान से सुनना, चतुर्दश शिलालेख संख्या में कितने हैं, तो उत्तर एक ही देना आठ। चतुर्दश शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर देना आठ। अशोक के चतुर्दश शिलालेख जिन स्थानों से प्राप्त हुए हैं उनमें नाम आता है शाहबाजगड्डी और मानसेहरा। शाहबाजगड्डी और मानसेहरा ये दोनों स्थान यह है पाकिस्तान में। भारत में अशोक के जो चतुर्दश शिलालेख है वो कहां कहां से प्राप्त है उसमें ध्यान देना। एक इसका प्राप्त हुआ है गिरनार गुजरात से, एक प्राप्त हुआ है एरगुडी आंध्र प्रदेश से, दो प्राप्त हुए हैं उड़ीसा में धौली और जोगढ़ से। ठीक है, एक प्राप्त हुआ है सोपारा से, सोपारा जो है ये पड़ता है महाराष्ट्र में, और एक प्राप्त हुआ है कालसा या कालसी, ये पड़ता है उत्तराखंड से। आठ शिलालेख हैं, आठ स्थानों से, चतुर्दश शिलालेख आठ स्थानों से मिले हैं, शाहबाजगड्डी मानसेहरा गिरनार एरगुडी धौली जोगढ़ सोपारा और कालसा। शाहबाजगड्डी मानसेहरा पाकिस्तान में, गिरनार गुजरात में, एरगुडी आंध्र प्रदेश में, धौली और जोगढ़ उड़ीसा में, सोपारा महाराष्ट्र में, कालसा उत्तराखंड में। अब ये आठ स्थानों से प्राप्त हुए हैं और शब्द चौदह काम में आता है चतुर्दश, तो इसमें ध्यान देना ये सभी शिलालेख चौदह पार्ट में विभक्त है। सभी जगह इन पर एक ही जैसी बात लिखी गई है, चतुर्दश शिलालेख संख्या का नाम नहीं है, एक समूह का नाम है। फिर यहां पर देखना ये सभी एक से लेकर चौदह खंडों में विभक्त है, सब में एक जैसी बात लिखी हुई है। धौली और जोगढ़ ऐसे हैं जहां पर ग्यारहवें बारहवें और तेरहवें नंबर के शिलालेख एक साथ नहीं है, अलग रूप से पृथक शिलालेख के रूप में लिखवाए गए हैं। फिर उसके पश्चात आगे ध्यान देते हैं अशोक के स्तंभ लेखों पर। अशोक के जो स्तंभ लेख है, इसके स्तंभ लेखों में भी अगर हम बात करें तो स्तंभ लेख भी दो भागों में विभक्त है। एक भाग है सप्त स्तंभ लेख उसी चतुर्दश की तरह, और एक भाग है लघु स्तंभ लेख। सप्त स्तंभ लेख संख्या में छह है, छह कौन कौन से हैं तो ध्यान देना, एक का नाम है दिल्ली टोपरा, दूसरा है दिल्ली मेरठ, फिर है लोरिया
अर्राज, फिर नाम आता है लोरिया नंदगढ़, फिर नाम आता है रामपुरवा का, और उसके पश्चात नाम आता है प्रयाग प्रशस्ति का। यह अशोक के सप्त स्तंभ लेख है जो संख्या में छह है, चतुर्दश की तरह ये भी सात खंडों में विभक्त होने के कारण इनको नाम दिया गया है सप्त स्तंभ लेख। ये दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख अशोक ने हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पर लगवाया था, और इसे फिरोज शाह तुगलक यहां से हटाकर ले जाता है दिल्ली, इसलिए इसे कहा जाता है दिल्ली टोपरा। दिल्ली मेरठ अशोक ने लगवाया था उत्तर प्रदेश के मेरठ में, और फिरोज शाह तुगलक ही इसे उठाकर ले गया था दिल्ली, इसलिए इसे दिल्ली मेरठ और इसे दिल्ली टोपरा कहते हैं। लोरिया अर्राज, लोरिया नंदगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों बिहार के चंपारण प्रांत में है, और ये तीनों ही क्षेत्रों से नेपाल के लिए रास्ता जाता है। बिहार के चंपारण प्रांत में नेपाल जाने वाले रास्ते पर ये तीन स्तंभ लेख लगे हुए हैं, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदगढ़ और रामपुरवा अभिलेख। ठीक है, फिर प्रयाग प्रशस्ति। ये प्रयाग प्रशस्ति अशोक ने मूल रूप से मध्य प्रदेश के कौशाम्बी में स्थापित करवाई थी। अकबर, मुगल शासक अकबर, इसे यहां से हटाकर इलाहाबाद में अकबर के दुर्ग में स्थापित करवाता है। इलाहाबाद को ही कहा जाता है प्रयाग। ठीक है, इस प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण अशोक ने करवाया था, परंतु इस पर सर्वाधिक उल्लेख गुप्त शासक समुद्रगुप्त के प्राप्त होते हैं। समुद्रगुप्त, अशोक, अकबर, इसके अलावा मुगल शासक जहांगीर के भी यहां से लेख प्राप्त हुए हैं। चार शासकों से संबंध है, इस पर सर्वाधिक उल्लेख समुद्रगुप्त का प्राप्त हुआ है। ये थे अशोक के स्तंभ लेख। अब अशोक के स्तंभ लेखों के अलावा इसके जो लघु स्तंभ लेख हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। उन लघु स्तंभ लेखों में जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ लेख आता है वह है सारनाथ स्तंभ लेख। यह लघु स्तंभ लेख है। सारनाथ स्तंभ अशोक ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ नामक स्थान पर स्थापित करवाया है। ये जो स्तंभ है, इस स्तंभ पर चार सिंहों का, चार शेरों का चित्रांकन किया गया है। ये चारों शेर एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हुए हैं। ये एक दूसरे की तरफ जो पीट करके बैठे हुए हैं, ये दिखाते हैं अशोक की युद्ध के प्रति थकान को, क्योंकि शेर कभी भी एक दूसरे की तरफ पीट करके नहीं बैठते हैं। और इन चारों सिंहों के बीच में बना हुआ है एक चक्र। इस बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जो चक्र है सारनाथ स्तंभ पर इन चार सिंहों के बीच में बना हुआ है, इस चक्कर में है 32 तीलियां। ठीक है, 32 तीलियां बनी हुई है, इसको ध्यान से सुनना। इसे अशोक चक्र नहीं कहते हैं, इसे महात्मा बुद्ध का धर्म परिवर्तन चक्र कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि अशोक चक्र क्या है, उसमें कितनी तीलियां हैं, तो ध्यान से सुनना। सारनाथ स्तंभ पर बने हुए धर्म परिवर्तन चक्र की प्रेरणा से भारत के राष्ट्रीय ध्वज में एक चक्र बनाया गया है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है, और उसमें 24 तीलियां है। यह महात्मा बुद्ध के धर्म परिवर्तन के 32 उपदेशों से संबंधित है, इसलिए इसमें 32 तीलियां है, और अशोक चक्र में जो 24 तीलियां है वो 24 घंटे का प्रदर्शन करती है, 24 घंटे के अकॉर्डिंग ली गई है। प्रश्न आए, अशोक चक्र की प्रेरणा कहां से ली गई, तो उत्तर सारनाथ स्तंभ होता है। प्रेरणा ली गई है सारनाथ से, अवतरित नहीं है। प्रश्न आए, सारनाथ स्तंभ पर कौन सा चक्र बना हुआ है, तो उत्तर एक ही होगा, बुद्ध का धर्म परिवर्तन चक्र। कभी भी अशोक चक्र मत दे देना। प्रश्न आए, सारनाथ स्तंभ पर बने हुए चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो उत्तर होगा 32 तीलियां। 24 तीलियां अशोक चक्र में है, सारनाथ पर नहीं है। अशोक चक्र सारनाथ में नहीं है, अशोक चक्र केवल और केवल राष्ट्रीय ध्वज में ही मिलेगा आपको। फिर उसके पश्चात अब बात करें इसके सभी शिलालेखों, स्तंभ लेखों, इनके बारे में। तो देखो, शिलालेख लिखवाना, स्तंभ लेख लिखवाना, ये वर्तमान सापेक्ष में देखें तो एक बहुत ही टेक्निकल आइडिया था अशोक का,
परंतु आज से 2300 वर्ष पहले इस अशोक को ऐसा ज्ञान कहां से आया कि मैं शिलालेख लिखवा दूं ताकि पीछा छूट गया, किसी मुख्य चौराहे पर ले जाकर टांग दो, आने जाने वाली जनता पड़ेगी, अशोक का पीछा छूटा, एक एक आदमी को कब तक पकड़ कर यह समझाता रहेगा। ये शिलालेख क्या सबसे पहले अशोक ने लिखे थे या किसी और ने लिखे थे, अशोक को प्रेरणा कहां से मिली? तो ध्यान देना, विश्व इतिहास में सर्वप्रथम शिलालेख लिखने का श्रेय जाता है ईरान के शासक दारा को। ईरान के शासक दारा ने शिलालेख लिखवाए थे। अशोक के जो शिलालेख हैं, इन शिलालेखों में अशोक नाम नहीं लिखा गया है, अशोक की जगह नाम लिखा गया है देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी राजा। अशोक के शिलालेखों की शुरुआत इस प्रकार से होती है, देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी राजा ने कहा है। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि सम्राट अशोक ने, महाराजा अशोक ने कहा, इतना लिखा हुआ है देवनाम प्रिय, वह नाम जो देवताओं को प्रिय, प्रियदर्शी राजा, वह राजा जो जनता को प्रिय, उस राजा ने कहा है। यह नाम कहां से आया? तो उल्लेख मिलता है कि यह देवनाम प्रिय की उपाधि भी सबसे पहले दारा ने धारण की थी। अशोक के समकालिक श्रीलंका का राजा था तिस, उसने भी यह उपाधि धारण की थी। अब हम बात करते हैं कि अगर यह नाम मिला है तो हमने कैसे खोज लिया कि यह शिलालेख अशोक ने लिखवाए थे, अशोक नाम ही नहीं मिल रहा है? तो ध्यान देना, सबसे पहले मौस्की से, उसके पश्चात गुर्जरा से, उसके पश्चात नेटूर से और उसके पश्चात उदयगोलम से, इन चार स्थानों से लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं और इन लघु शिलालेखों पर नाम लिखा हुआ है अशोक। और इनमें भी बात हुई है, रोरू में भी बात हुई है, उस हिसाब से तथ्य जोड़ा गया है कि ये सारे शिलालेख अशोक ने लिखवाए थे। सबसे पहले मास्की में मिला है, अब तक चार स्थानों से अशोक नाम का उल्लेख प्राप्त हुआ है। अशोक के ही लघु शिलालेखों में जयपुर के बैराट के निकट गांव है भाबरू, भाबरू से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। यह अशोक का एकमात्र बेलनाकार शिलालेख है तथा भाबरू शिलालेख ही सबसे बड़ा प्रमाण है अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का। इसी ने सर्वाधिक स्पष्ट किया है कि वास्तव में अशोक बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा विद्वान हुआ था, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी हुआ था अपने समय में। फिर उसके पश्चात अशोक के बौद्ध धर्म के कार्यों के बारे में, प्रचार प्रसार के बारे में, तो उल्लेख मिलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में यात्रा करता है बोध गया की, बोध गया बिहार में। यहां पर उल्लेख मिलता है, यहां पर एक पहाड़ी समूह है जिसका नाम है बाराबर की पहाड़ी। उल्लेख मिलता है कि अशोक इस बाराबर की पहाड़ी में चार गुफाओं का निर्माण करवाता है। ये गुफाओं का नाम है कर्ण, सुदामा, चौपार और विश्व झोंपड़ी। चार गुफाओं का निर्माण करवाया था, कर्ण, सुदामा, चौपार और विश्व झोंपड़ी का। ये चारों गुफाएं अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए बनवाई थी। अशोक बौद्ध धर्म का था, बौद्ध संप्रदाय से था, फिर आजीवक कहां से आ गए? तो ध्यान रखना, मौर्यों का मूल संप्रदाय आजीवक था, चंद्रगुप्त मौर्य आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, उसने जैन स्वीकार किया, बिंदुसार आजीवन आजीवक संप्रदाय का ही अनुयायी रहा, उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया। अशोक भी प्रारंभ में आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, कलिंग युद्ध के पश्चात उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। फिर उल्लेख मिलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। धम्म महामात्र यह एक धार्मिक अधिकारी था, ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करने वाला पहला शासक हुआ था अशोक। फिर उसके पश्चात उल्लेख मिलता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में यात्रा की थी लुम्बिनी की। इस लुम्बिनी यात्रा के बारे में उल्लेख मिलता है कि अशोक लुम्बिनी की जब यात्रा करता है तो लुम्बिनी की यात्रा के समय यहां के नागरिकों का इसने कर भार गठा दिया था और इसने कर भार गठाकर 1/8 कर दिया था। पहले उनके कर लगा करता था 1/6। फिर उसके पश्चात उल्लेख मिलता है कि अशोक ने ही 252 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। इस तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था वही महान बौद्ध विद्वान मोगलीपुत्र तिस।
फिर हम बात करते हैं थोड़ी सी अशोक के परिवार के बारे में। अशोक के परिवार के बारे में जो उल्लेख प्राप्त होता है उस परिवार की जानकारी लेते हैं हम केवल शिलालेखों में। अशोक के कई पत्नियां थी, परंतु इसके जो शिलालेख है उन शिलालेखों में सिर्फ एक ही पत्नी का नाम मिला है, और वो पत्नी का नाम है कारुवाकी। इस कारुवाकी का उल्लेख मिलता है कौशाम्बी अभिलेख से। कौशाम्बी अभिलेख में इसकी पत्नी का नाम मिला है कारुवाकी। इसी कारण इस कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है रानी का अभिलेख। ठीक है, इसे शिलालेख से उल्लेख इसकी एक पत्नी का मिलता है कारुवाकी का। कारुवाकी के एक बेटा भी हुआ था जिसका नाम तीवर है, कई जगह इसे तीवल भी लिखा गया है। इसके अलावा अशोक के पुत्रों में नाम आता है कुणाल का। ठीक है, अशोक के पुत्रों में कुणाल का उल्लेख यह मिलता है कि अशोक के पश्चात मौर्यों का अगला उत्तराधिकारी बना था कुणाल। अशोक के पश्चात जो मौर्य शासक आया था वो था कुणाल। फिर इसके इन्हीं पुत्रों में जो अशोक के पुत्र है इसमें नाम आता है, एक पुत्र का नाम है महेंद्र, एक पुत्री का नाम है संगमित्रा। उल्लेख मिलता है कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था श्रीलंका। अशोक की एक पुत्री का नाम मिलता है चारुमति। इस चारुमति का विवाह नेपाल के राजा के साथ हुआ था जिसका नाम था देवपाल। इसी चारुमति ने नेपाल में एक शहर भी बसाया था जिसका नाम था देवपट। तो दोस्तों ये बातें तो थी अशोक के बारे में। फिर अशोक के पश्चात मौर्यों का जो शासनकाल है उसके बारे में इतिहास में विस्तार से उल्लेख नहीं मिलता है। अशोक के मृत्यु से लेकर आगे गुप्त शासक आता है चंद्रगुप्त प्रथम, यहां तक का जो इतिहास है उस इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा गया है, इसलिए इसे इतिहास विषय में अंधकार युग के नाम से पढ़ा जाता है। अशोक के इस मौर्य साम्राज्य के बारे में उल्लेख मिलता है कि मौर्यों का अंतिम शासक हुआ था जिसका नाम था वृहद्रथ मौर्य। इस वृहद्रथ मौर्य की 185 ईसा पूर्व उसी के सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने हत्या की थी मौर्य शासक वृहद्रथ मौर्य की, जो मौर्यों का अंतिम शासक हुआ था। और पुष्यमित्र सुंग ने नींव डाली थी सुंग वंश की। सुंग वंश भारतीय इतिहास का पहला शुद्ध ब्राह्मणवादी राजवंश है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आपके जवाब का इंतजार रहेगा, संपर्क कर सकते हैं आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से, और इसकी आप प्रतिक्रिया दें कैसा लगा आपको। धन्यवाद।